समय में समय का सदुपयोग कर रतवारी कॉलोनी के डब्ल्यूसीएल कॉलोनी में रहने वाली संध्या तोगर, इस महिला ने बेकार चीजों का इस्तेमाल कर एक सुंदर गार्डन का निर्माण किया। कोरोना महामारी के कारण सभी अपने अपने घरों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इस लॉकडाउन में लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। खेल के मैदान, गार्डन तथा बाहर के जितने भी मनोरंजन के स्थान है वह सभी बंद है, जिसके कारण समय का सदुपयोग कैसे करें यह हर किसी के सामने एक बड़ी चुनौती है। घर में आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया, कंप्यूटर आदि तो है, लेकिन शारीरिक व्यायाम का साधन नहीं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए रतवारी कॉलोनी के डब्ल्यूसीएल कॉलोनी में रहने वाली संध्या प्रभाकर तोगर, इस महिला ने इस लॉकडाउन में बेकार चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल, पानी की बोतल, शराब की बोतल, गाड़ी के खराब फिल्टर यह आदि चीजें घंटा गाड़ी वालों की ओर से जमा कर लगभग 2 महीनों में घर में ही एक सुंदर से गार्डन का निर्माण किया और घर में ही जैविक खाद भी बनाकर उन प्लांट में उपयोग किया, जिसे उन्होंने इस लॉकडाउन के समय में समय का सदुपयोग करते एक सुंदर गार्डन का निर्माण किया है। उनके इस गार्डन में मनी प्लांट, पान, पुदीना, मिर्च, कृष्ण कमल, माताडू, छुई मुई, बेल, जासवंद, टमाटर, अंबाड़ी आदि पौधे उपलब्ध है। आइए जानते हैं अपने इस उपक्रम के बारे में संध्या प्रभाकर तोगर ने क्या कहा। और अभी जैसे घर के कुछ सामान हैं, घर के प्लास्टिक के बॉटल से थम्सअप के बॉटल हैं, गाड़ी के फिल्टर्स वगैरह हैं, ये सब कचरे वाले घंटा गाड़ी में आते हैं, तो मुझे ऐसे लगा कि उस घंटा गाड़ी के सामान से भी अपन कुछ नया कुछ कर सकते हैं, कुछ गार्डन जैसे अपन छोटा सा बना सकते हैं। तो मैंने ये सोच के जो वस्तु वेस्टेज वाले वस्तु हैं उनसे मैंने एक छोटा सा बगीचा गार्डन जैसे बनाया है। और मैंने जैसे घर से अपने कुछ सब्जी भाजी का कुछ कचरा निकलता है, जैसे कुछ डंठल निकलता है कुछ सब्जी का, तो उस सब्जी से मैंने घर में ही मैंने खाद बनाया है। वही खाद अभी लॉकडाउन के समय में मैंने घर में रह के ये सारा कुछ सीखा है, जो मैं भी करना बताना चाहती हूँ। आप लोग भी घर में रह के ये सब कुछ आप कर सकते हो।